गुरदासपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार व अभिनेता सनी देओल के रोड शो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में पंजाब पुलिस और सनी देओल आमने सामने होते रहे हैं। वहीं पंजाब पुलिस के एक एएसआई ने यह शिकायत दर्ज कराई है कि सुरक्षा काफिला छोड़कर सनी देओल का काफिला अनजान जगह की ओर निकल जाता है। वहीं इस पर सनी देओल तो कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पंजाब के पूर्व प्रधान अश्विनी शर्मा ने इसे सरासर गलत बताया है तथा कहा कि ये प्रशासन सरासर झूठ बोल रहा है और प्रशासन ने और भी कई बातों में धक्केशाही करने की कोशिश की है। प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। रोड शो के अंदर कोई प्रबंध नहीं था और साथ में मानो किसी इर्द गिर्द वाला व्यक्ति कोई बात बोल दे तो सुरक्षा में लगे हुए लोगों को अपनी जिम्मेवारी छोड़ देनी चाहिए क्या? उनको अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। आज पुलिस के पास, प्रशासन के पास इस बात का जवाब नहीं है और सुरक्षा को लेकर वो हीरो है, पूरी लोग उसको देखना चाहते हैं, लोग उसके साथ पिक्चर खिंचाना चाहते हैं, अजूम उमड़ता है, तो ऐसे में उसकी सुरक्षा करना पुलिस का दायित्व है। इधर उधर की बातें करना छोड़ें, अगर इस में पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। वह इस बारे में बोलते हुए डीएसपी प्रेम कुमार ने कहा कि पुलिस ने रोड शो के दौरान पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभाई है। पुलिस की सिक्योरिटी पूरी टाइट सी एंड शुरू तो लैके एंड तक उन्होंने रोड शो के पुलिस सिक्योरिटी रही है एंड जो उन्होंने रोड शो खत्म हो गया जूड नाइट के करीब उतों वापस चल गए। ਤੁਹਾਡੇ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਜਾਗਰਤੀ ਲਹਿਰ ਕੇ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।